सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं, जाते वाले क्या, डेली जाते हैं। तो आज आपको ले जाते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे, जो मेरा है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। तो आज मुझे करनी है उसकी सफाई। तो आज कुछ बनाने के लिए था नहीं, करने के लिए था नहीं कुछ, तो मैंने सोचा सफाई करेंगे वहीं का, वो लोग बना देंगे। तो फिलहाल तो हम करते हैं कपड़े चेंज अपने कपड़े से, क्योंकि गंदे हो जाएंगे, दूसरे कपड़े पहनते हैं और फिर चलते हैं मेडिकल स्टोर पे। मिलते हैं आपको मेडिकल स्टोर पे जाके। सो गाइस, हम आ चुके हैं अब अपने मेडिकल स्टोर पे, और ये देख सकते हो आप, ये है मेरा मेडिकल स्टोर। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, काम क्या, सॉरी, ये तो मेरा ही है। बस यहाँ पे बैठा रहता हूँ और दिन में जो टाइम मिलता है उसमें फिर थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ। तो फिलहाल तो यही चल रहा है बस। आज मुझे यहाँ की करनी है सफाई, तो आज मैं पूरा दिन करूँगा यहाँ की सफाई और आपको भी दिखाता रहूँगा पूरा व्लॉग में, कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। तो बस आप प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए और हम चलो करते हैं इसकी सफाई। ये देख सकते हो आप किस कदर गंदगी है यहाँ पर। इस साल भर से हटा नहीं था बेड, अब हटाया है, यहाँ तो बुरा हाल है। आज तो लगता है टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आज तो, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो रही है। तो कोई नहीं, डर तो लग रहा है, पर इतनी साफ सफाई करते थे, अगर नहीं तो भाई क्या करें, हम करते हैं फिर साफ सफाई। आप उस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, फाइनली हो चुकी है सफाई पूरी, काफ़ी टाइम लग गया है। ये बज चुके हैं लगभग 3 बज चुके हैं, पर कोई नहीं, सफाई तो पूरी हुई। चलो हम फिलहाल नहा लेते हैं, नहा के आपको मिलते हैं। हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी और हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर आ गए मेडिकल पे। अब यहीं बैठेंगे, रात को 10 बजे घर जाएंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, फिर मेडिकल आ जाएंगे, फिर दोपहर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर मेडिकल आ जाएंगे, फिर रात हो जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। यही चल रहा है अभी तो, बस दिन में थोड़ी सी मेहनत चल रही है वीडियो के ऊपर। अभी रमज़ान आने वाले हैं, आज 22 तारीख है, अगर आज तरावी हुई तो कल का रोज़ा है, और अगर कल तो फिर तरावी है ही, अगर आज नहीं हुई तो कल तो डेफिनेटली तरावी है, फिर परसों का रोज़ा है। तो अब हम लेंगे एक चैलेंज, रोज़े तो इंशाल्लाह हमेशा पूरे रखता हूँ मैं, और पूरे रखता आया हूँ आज तक, जब से होश संभाली है। इस बार व्लॉग बनाऊँगा रोज़ों में, 30 के 30 रमज़ान में व्लॉग बनाऊँगा, और व्लॉग बनाते बनाते रोज़े भी रखूँगा और आपको सारी डिटेल दूँगा कि क्या क्या खाने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है रमज़ान में, क्या क्या रौनक होती है रमज़ान की, सब दिखाऊँगा आपको। बस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको व्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा हमारा। तो इस बार तो यही प्लान है कि रमज़ान में सुबह उठे, सहरी के वक्त से व्लॉगिंग शुरू की और अफ्तारी तक सारी डिटेल व्लॉग में डालूँगा। तो बस यही करना है आपकी बार रमज़ान में, इंशाल्लाह आपको व्लॉग अच्छा लगेगा हमारा। तो गाइस, आज का व्लॉग तो चलो यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपको
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।